बुद्धिमान कौन? शेर खान पिंजरे में बंद था। वह बाहर निकलने के लिए खूब जोर लगा रहा था। तभी शेर खान को चीकू खरगोश आता दिखाई देता है। ठहरो चीकू, मैं बहुत देर से इस पिंजरे में कैद हूँ, मुझे बाहर निकाल दो। चीकू घबराते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं पिंजरा नहीं खोलूंगा। यदि मैंने पिंजरा खोला तो तुम बाहर आकर मुझे खा जाओगे। शेर खान बोला, नहीं चीकू, तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भला तुम्हें क्यों खाऊंगा। मेरा इस पिंजरे में दम घुट रहा है, तुम जल्दी से पिंजरे का दरवाजा खोल दो। चीकू को शेर खान पे दया आ गई। चीकू बोला, ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करके पिंजरे का दरवाजा खोल देता हूँ। चीकू ने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और शेर खान बाहर आ गया। शेर खान बहुत खुश हुआ। मैं बहुत देर से इस पिंजरे में बंद था और बहुत भूखा भी था, अब मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। चीकू डर कर, लेकिन शेर खान तुमने तो कहा था तुम मुझे नहीं खाओगे। शेर खान बोला, अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो तुम पिंजरे का दरवाजा कैसे खोलते चीकू। अब अपनी भूख मिटाने के लिए मैं तो तुम्हें खाऊंगा। चीकू, अच्छा चलो किसी से फैसला करवाते हैं कि तुम्हें मुझे खाना चाहिए या नहीं। मैंने तुम्हारी मदद की, इसलिए इतनी तो मेरी बात मान लो। शेर खान मन ही मन सोचता है, मैं शक्तिशाली हूँ, मुझसे तो सब डरते ही हैं, इसलिए मेरे खिलाफ कोई फैसला भी नहीं देगा, ऐसा तो किसी में साहस ही नहीं है। शेर खान मुस्कुराते हुए तैयार हो जाता है और चीकू से कहता है, ठीक है। तभी उधर से लोमड़ी मौसी आती दिखाई देती है। चीकू, लोमड़ी मौसी रुक जाओ, जरा हमारी बात सुनकर हमारा फैसला करो। लोमड़ी मौसी शेर खान की आंखों से डर कर बोली, मेरे पास समय नहीं है, मुझे बहुत काम है, माफ करना भाई। लोमड़ी मौसी चली जाती है और दूसरी ओर से हाथी दादा आते दिखाई देते हैं। चीकू, हाथी दादा जरा रुको और हमारा फैसला कर दो। हाथी दादा भी मन ही मन सोचते हैं कि लड़ाई झगड़े से दूर ही रहना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं नहीं रुक सकता, मुझे गन्ने के खेत में जाना है और गन्ने खाने हैं। इस तरह हाथी दादा भी चले जाते हैं। शेर खान, देखा चीकू, मैंने तेरी बात मानी, लेकिन कोई फैसला करने को तैयार नहीं है और मेरी भूख बढ़ती जा रही है, अब तो मैं तुम्हें खाऊंगा ही। यह कहते हुए शेर खान दहाड़ने लगता है। तभी उधर से नटखट सा बालक आता दिखाई देता है, उसका नाम भीमा था। उसे देखते ही चीकू खरगोश बोला, शेर खान रुको, देखो वो लड़का आ रहा है, उससे फैसला करवाते हैं। शेर खान खुश होकर सोचता है, हा हा हा, आज एक नहीं दो दो शिकार, एक के साथ एक मुफ्त, पहले चीकू को खाऊंगा फिर उस लड़के को। शेर खान, ठीक है, अगर उसने भी फैसला करने को मना किया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मैं और नहीं रुक सकता, समझे। चीकू, ठीक है, भीमा को बुलाते हुए, अरे भाई हमारी बात सुनो। भीमा, बोलो चीकू खरगोश, क्या बात है? चीकू ने भीमा को पूरी बात बताई। चीकू, अब तुम ही फैसला करो, क्या शेर खान को मुझे खाना चाहिए? भीमा कुछ सोचते हुए, क्या कह रहे हो चीकू, तुम पिंजरे में बंद थे। शेर खान, नहीं नहीं, पिंजरे में ये नहीं, मैं बंद था। भीमा, अच्छा अब समझा, पिंजरा शेर खान में बंद था। शेर खान को गुस्सा आ जाता है, अरे मूर्ख लड़के, ये क्या कह रहा है, पिंजरे में मैं बंद था, मैं। भीमा, लेकिन तुम इतने बड़े हो, इस छोटे से पिंजरे में कैसे बंद हो सकते हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मुझे विश्वास ही नहीं है। शेर खान, तुम सचमुच में मूर्ख हो मूर्ख, पता नहीं कैसे सब कहते हैं कि आदमी सबसे ज्यादा बुद्धिमान, अकलमंद और समझदार है। शेर खान गुस्से से दहाड़ता हुआ पिंजरे में घुस जाता है। शेर खान, देख मूर्ख लड़के देख, मैं ऐसे पिंजरे में बंद था, अब समझ में आया, जल्दी फैसला कर, भूख से मेरी जान जा रही है। भीमा, पिंजरे का दरवाजा क्या ऐसे ही खुला था? चीकू, नहीं नहीं यह खुला नहीं था, दरवाजा बंद करते हुए ऐसे बंद था। भीमा, शेर खान अब तुम तो अंदर ही आराम करो, जो किसी को धोखा देता है यानी किसी का विश्वास तोड़ता है, छल करता है, उसे पिंजरे में ही बंद रहना चाहिए, यही मेरा फैसला है। शेर खान देखता रह जाता है और चीकू खुश हो जाता है। भीमा, शेर खान
अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि आदमी को सबसे ज्यादा बुद्धिमान क्यों कहा जाता है। भीमा और चीकू अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और धोखेबाज शेर खान पिंजरे के अंदर फिर से बंद हो जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ताकत से बड़ी बुद्धि होती है, इसलिए हर जगह ताकत का नहीं बुद्धि का ही प्रयोग करना चाहिए और हमें इंसान को देखकर ही उसका भला करना चाहिए। नहीं तो यदि हम बिना जांचे परखे यदि हम किसी की मदद करते हैं तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। पहले परखो, फिर जांचो और फिर किसी की सहायता करो।